ऑटो कर लिया भाई, बाकी ना यहाँ से भाई डायरेक्ट ऑटो नहीं मिल रहा है। सो फाइनली भाई अपन लोग भाई पहुँच गए TVS के शोरूम, अब बस अंदर चलते हैं। कह तो रहते हैं कि हमारी स्कूटी बिल्कुल रेडी कर दी है, ये रहा अपना रेस एडिशन। तो पता ना भाई कैसा लगा? नहीं यार मजाक कर, हम अपन लोग ये वाला नहीं ले रहे, अपन लोगों का भाई दूसरा वेरियंट है। चल रेट वगैरह भाई सब पता कर लिया, लेकिन भाई यहाँ पे ना TVS वाला बनता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे अनदर ब्लॉग। बाकी आज है भाई बहुत दिनों बाद कैमरा उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन से ना मैं शॉर्ट्स ही अपलोड कर रहा हूँ और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है मेरे को। तो मैं व्लॉग्स को थोड़ा सा भी रेस्ट ले लिया था, अब भाई थोड़ा सा डालना स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी एक ट्रिप भी प्लान हो रही है और आज शायद से कुछ भाई एक नई चीज़ लेके आने वाले हैं। बाकी प्लान कुछ और था, वो प्लान है, लेकिन ये आज भाई शायद से अपन लोग भाई कर लें अगर कुछ अच्छी डील हमारे को मिली तो। बाकी देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से और जैसा भी होता है भाई दिखाते हैं और एंटरटेन करता हूँ और क्या करना है। बाकी आप लोग भाई शॉर्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तो यार सब्सक्राइब जो करके जाया करो, वैसे तो सब्सक्राइब कर रहे हो लोग, बाकी जो लोग देख रहे हैं भाई वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करो। यार अधिकतर ऐसे ही होता है कि मैं पहले तैयार होकर बैठ जाता हूँ, अभी ये दोनों तैयार हो रहे हैं। बाकी आज यार मतलब जहाँ भी जाएंगे ना आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आज मैं सोच रहा भाई बिल्कुल रॉ व्लॉग रखेंगे अपना, जिस भी शोरूम पे जाएंगे कुछ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी प्लान सब कुछ डिसाइड आज करने वाले नीलम, क्योंकि मैंने आज बिल्कुल बोल दिया कि जो तेरे को पसंद हो वो लियो। अभी बाकी गाड़ी में बैठता हूँ और प्लान बताता हूँ कि क्या प्लान है। और इस लड़के की हरकत देखो, बड़ी चप्पलें पहन के घूमता है, क्यों भाई? हाय करो पहले, बहुत दिन से तुम ब्लॉग में नहीं आए ना। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। तुमने शूज़ के ऊपर चप्पल पहन रखी थी। हाय करो, हाय हाय हाय। तो यार बस यहाँ से अब निकलते हैं, दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं, बस निकलते हैं ऐसे और सीधा भाई गाड़ी में आके पूरा प्लान बताता हूँ। और जैसा भी होता है भाई, होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज भाई कोई बात नहीं। सो आज हम लोग आ रखे हैं भाई, मतलब कहानी क्या है, पहले लेनी तो मुझे कुछ और चीज़ थी, लेकिन प्लान चेंज होने के बाद ना हम ले रहे हैं भाई स्कूटी एक। तो स्कूटी भाई देखने आए हैं, पहले तो हम जा रहे थे खाली TVS के शोरूम पे, लेकिन यहाँ पे तो भाई सुजुकी, TVS, होंडा, हीरो भाई सब है, तो भाई एक ही जगह पे अपने यहाँ पे हो जाएगा। और गौर सिटी में ना मतलब सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो बाकी अभी अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं कि कौन सी पसंद आती है, क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है। बाकी प्लान जो था ना मेरा वो भाई एंटॉक का था, लेकिन इस लड़के को एंटॉक ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, तो अभी बस अंदर चलते हैं, बाकी देखते हैं कौन सी लेते हैं, जो भी लेते हैं भाई दिखाते हैं। तो यार अभी भाई होंडा के शोरूम गए थे, तो होंडा के शोरूम पे ना सबसे बड़ी चीज़ भाई, अब उन लोगों ने भाई कीलेस एंट्री दे दी। एंट्री क्या मतलब, कीलेस स्टार्ट वाला ऑप्शन दे दिया, तो दोनों चीज़ों में मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब तो दो दो तीन तीन हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो बाकी अभी यहाँ पे यार TVS का ना शोरूम पे ना रिनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ की जगह अब अभी हम चल रहे हैं दूसरे शोरूम में, तो वहाँ चलते हैं, बाकी देखते हैं इसको एंटॉक पसंद आती नहीं आती, वरना फिर भाई इसको ना होंडा एक्टिवा ही दिला देंगे। सर रेट वगैरह भाई सब पता कर लिए, लेकिन भाई यहाँ पे ना TVS वाला बनता, तो अभी TVS के दूसरे शोरूम पे जा रहे हैं, एक बार वहाँ देख के आते हैं। बाकी सर अभी भाई अपन लोग भाई शोरूम से होके आ गए, बाकी अभी कुछ प्लान तो बन गया कि मतलब कौन सी लेनी है, लेकिन घर जाके फिर भी डिसाइड करते हैं कि एक्टिवा या फिर एंटॉक, दोनों में से एक कोई सी लेंगे। बाकी चलते हैं, अभी घर चल रहे हैं। बाकी अभी रुके हैं भाई, नारियल पानी पीने के लिए, नारियल पानी पीते हैं, क्योंकि जल्दी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है आज। तबीयत क्या मतलब, ओवर ईटिंग के मतलब फ़ायदे जो होते हैं ना वो हो रहे हैं उनको, कि मतलब ना ओवर ईटिंग से ना आदमी मतलब हैवी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे भी दिक्कत हो रही है। बाकी नारियल पानी पीते हैं भाई, और फिर यहाँ से निकलेंगे घर जाके, बाकी फुल डिसाइड करके बता देता हूँ कि कौन सी लेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि यार भाई स्कूटी फाइनल हो गई, हम लोग जा रहे हैं भाई, जो पहले मैंने डिसाइड करा था ना वही हुआ, हम ले रहे हैं एंटॉर्क 125। उसमें कौन सा वेरिएंट लेने वाले हैं तो वो जाके भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं चलते हैं सीधा और वहीं जाके भाई दिखाता हूँ। सब लोग भाई रेडी हो चुके हैं, और पहले मैं सोच रहा था कि ना बाइक से जाएंगे और स्कूटी साथ साथ ले जाएंगे, लेकिन अब डिसाइड कर रहा है कि भाई ऑटो से चलते हैं, तीनों एक साथ बैठ के आएंगे। बाकी अभी भाई चलते हैं, और उसका नंबर भी भाई बहुत स्पेशल है, नंबर की कहानी भाई बताऊँगा मैं आपको। एक्चुअल मैंने नंबर ले लिया था मैंने पहले, तो वो नंबर भाई बहुत स्पेशल है, तो अभी चलते हैं, बाकी वही दिखाता हूँ भाई कौन सी स्कूटी ले रहा हूँ अपन लोग।
ऑटो कर लिया भाई, बाकी ना यहाँ से भाई डायरेक्ट ऑटो नहीं मिल रहे विजयनगर बाईपास से। हाँ यार बहुत दिनों बाद में ऑटो हो गया, बहुत दिनों बाद, मतलब जब से मैंने कंप्यूटर छोड़ के 220 ली ना, उसके बाद से मैं आज बैठ रहा हूँ ऑटो में। तो भाई मज़े चल रहे हैं, मज़ा आ गया। इसको 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 डांस करना है, डांस क्यों कर रहा है भाई, ऐसी क्या चीज़ ले ली। चल तीनों भाई रेडी हो चुके हैं मस्त एकदम, बाकी चलते हैं वहाँ पे। सबने नए कपड़े पहन लिए, मैं चैम को छोड़ गया, चैम को नए कपड़े नहीं बनाए क्योंकि क्योंकि इसके पास बेचारे के कपड़े थे ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, इसके पास ये ऑलरेडी एक एक बार पहने हुए कपड़े हैं। तो बाकी फटाफट पहुँच रहे हैं और सीधे स्कूटी उठाएंगे और भाई दिखा रहे हैं कौन सा वेरियंट अपने लोग ले रहे हैं, क्योंकि ना इंटॉक में बहुत सारे वेरियंट आते हैं। सो फाइनली भाई अपन लोग भाई पहुंच गए TVS के शोरूम। अब बस अंदर चलते हैं, कह तो रहते हैं कि हमारी भाई स्कूटी बिल्कुल रेडी कर दी है, तो अंदर जाके दिखाते हैं भाई कौन सी स्कूटी है और क्या वेरिएंट है। क्या हुआ, शॉर्ट बना ले। सो अपन लोग तो भाई जो स्कूटी ले रहे हैं ना भाई, मैं दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो अपन लोग ले रहे हैं भाई एंटॉक का रेस एडिशन, ये रहा अपना रेस एडिशन। तो बताना भाई कैसा लगा। नहीं यार मजाक कर, हम अपन लोग ये वाला नहीं ले रहे, अपन लोगों का भाई दूसरा वेरिएंट है, वो दूसरी साइड खड़ा हुआ है। बाकी भाई भगवान से थैंक यू कि हमको ये सब चीज़ें देते हैं हमेशा जब भी मांगते हैं हम। बाकी अपना वेरिएंट दिखाता हूँ भाई, इससे अच्छा वाला वेरिएंट ही अपना। सर अपना वेरिएंट पे भाई चैम बैठा हुआ है, और अपना वेरिएंट भाई ये है एंटॉक का भाई XT वेरिएंट। इसमें और वाले में फ़र्क भाई इतना है कि भाई इसके अंदर ना डबल डिस्प्ले है और भाई डिजिटल वाला डिस्प्ले है भाई, बहुत ख़तरनाक डिस्प्ले है, उसमें डबल डिस्प्ले आते हैं तो अपन लोगों ने ये लिया। बाकी इसका जो ओवरव्यू लुक है कुछ कुछ आता है, जाइए जाके खड़ी हुई इसके पास बैठ के दिखा दे। अबे तुम तो लड़ रहे हो भाई स्कूटी बैठने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डिलीवरी हो गई भाई, चाबी अभी मिल गई, धन्यवाद। हाँ वो घंटी पर घंटी बजानी पड़ेगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ताली बजा दी भाई। सो फाइनली यार अपनी स्कूटी भाई अपने हाथ में आ चुकी, और नीलम का सबसे पहले नया हेलमेट यूज़ होगा। तुम एक काम करो, मैं इसको ना स्टैंड पे से हटा देता हूँ, ठीक है। लो चैम को मेरे को दो, चैम को मेरे को दो, अपना हेलमेट पहनो। तो भाई सबसे पहले भाई नींबू खट्टा चटाते हैं, तो तुम खुश हो, खुश हो, चैम को देख कितना खुश है। बस स्कूटी हल्की सी आगे आगे बढ़ानी है, सेल्फ पता है ना, पहनो, बढ़िया लग रहा है हेलमेट तेरे पे, आज तू लग रही प्रो राइडर। तो इसमें भाई सबसे बड़े फीचर तो भाई ये हैजार्ड वाला है भाई, बढ़िया हैजार्ड वाला फीचर भाई मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, वरना बाकी सब चीज़ों में लगानी पड़ती है, इसमें भाई ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। आओ बैठो, भगवान का नाम लो सबसे पहले, ठीक है, ये लो, हल्का सा आगे लेके आओ, स्टार्ट करो, स्टैंड हटाओ, वेरी गुड, थोड़ा आगे ले जाओ, आगे ले आओ, चला के चलाए नहीं, हाँ बस, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज भाई स्कूटी पे भाई पिलियन होना बहुत बढ़िया रहता है, हमेशा मेरे को चलानी पड़ती थी, आज भी मेरे को बोल रही थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन सही तो है। ओहो चलो, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलो चलो बाकी आगे चल के भाई कहीं पे रिव्यू देते हैं इसका अच्छे से, अभी तो सबसे पहले घर चलते हैं। सो आज तू ऐसे पहली बार नोएडा में ड्राइव कर रही होगी ना, नहीं
अच्छा हाँ मेरी एक्टिवा चलाई है। तो यार सबसे पहले भी हम जा रहे हैं भाई इसकी फ्यूलिंग करवाने के लिए, कि लो फ्यूल की बत्ती जल चुकी है और पहली बार मैं इसमें टंकी फुल करवा देता हूँ और उसके बाद भाई नीलम अपना तेल डलवे। आज तू डलवाएगी? चल ठीक है, आज भी तू डलवा फिर बाद में भी तू डलवाएगी। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके ऊपर आ गई है कि हाँ भाई तेल भी खुद ही डलवाना है, क्योंकि भाई जब चलानी इसने तो भाई तेल तो खुद डलवाना पड़ेगा, ताकि भाई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह भाई। हाँ कहीं भी चल ले, ये पे लगा दे ना, आगे उस पे लगा दे, यहाँ पे लगा ले। चल वो XP95 है बस, वो भी डलवा सकती है, वो थोड़ा महंगा तेल है बस, वो तो अच्छी राइडर लग रही है। मम्मा स्कूटी चला रही, मस्त लग रही है भाई स्कूटी यार, ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो न्यून कलर ना भाई एकदम चटकता है और इसका हेलमेट भी बहुत बढ़िया जा रहा है, तो अब कैडी राइडर लग रही है। हाय बोल दो, चैंप हाय कर दो, हाय। तो भाई यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है भाई इसकी फर्स्ट टाइम टंकी फुल, बाकी देखते हैं कितने का तेल आता है। 5 लीटर की वैसे टैंक फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ज़्यादा ही आ गया बल्कि 5.5 है अप्रॉक्स, बस इतना छोड़ दो, 5.6 लीटर्स। दे दो जो भी दे रहे हो, तो यार हो गए फ्यूल टैंक और अब चलते हैं भाई यहाँ से। आ जाओ आज मोटो व्लॉग नहीं, मैं वॉक व्लॉग कर रहा हूँ। पैदल चल चल जा रहे हैं इधर से उधर, वैसे उसी वाले मंदिर पे चल लो है नी। हाँ अबे हाँ मिठाई भी तो लेनी पड़ेगी। सो यार अपनी सोसाइटी में तो पहुँच चुके हैं, बस यहाँ पे अब पूजा वगैरह होती है, उसके बाद भाई घर लेके चलते हैं, फिर शायद शाम को फिर राइड पे लेके चलेंगे इसको। आज तो पूरे दिन घुमाएगी तुझे, ऑफिशियली आज पहली बार मोटो व्लॉग करने आ रहे हैं इस XT पे। बाकी कल भाई मैंने चलाई लेकिन भाई मोटो व्लॉग नहीं करा, रात के टाइम ही मेरे हाथ में है, तो बस इसको लेके चलते हैं और साथ ही साथ भाई थोड़ा सा इसका रिव्यू देते हैं कि भाई कैसी है ये और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अभी तो भाई जितने मेरे को समझ में आएंगे उतने मैं बताता हूँ, बाकी फिर टाइम टू टाइम भाई बताते रहेंगे इसके बारे में। यहाँ से निकलते हैं, शाम का टाइम हो गया और आज भी मतलब मोटो व्लॉग ऐसा नहीं था कि आज होना ही होना था, लेकिन आज भाई टाइम आ गया कि मोटो ब्लॉक कर ही लेते हैं। निकलते के साथ ही ट्रैफिक, बाकी एग्जॉस्ट साउंड भाई इसका ना मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ड्यूक से भी ज़्यादा खतरनाक इसका एग्जॉस्ट साउंड है। और बाकी जो मेरा जो भाई सीन था ना, मेरा सीन था भाई कोई मतलब ना बाइक लेने का, अब बाइक भाई कोई भी हो सकती थी, तो वो भाई 150 cc वाली भी हो सकती थी, 390 मतलब मैंने सारी बाइक्स देखी थी। मेरा भाई ज़्यादा जो मन जो अटका था वो RC 390 पर अटका था, ऑलमोस्ट भाई बुकिंग डालने वाले थे उससे एक दो दिन पहले भाई ड्यूक 390 लॉन्च हो गई, तो थोड़ा सा मेरा मन अटक गया उस पर कि भाई अभी थोड़ा रुक जाता हूँ, उसको देखते हैं उसके बाद भाई लेंगे। बाकी मैंने यार इस स्कूटी का भी ना नंबर बुक कर दिया था, स्कूटी का क्या मतलब मैंने अपनी बाइक के लिए नंबर बुक करा था, तो वो इन 30 डेज भाई वो जाने वाला था, तो इस वजह से भाई मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार वो नंबर भी चला जाएगा, मैंने कहा स्कूटी की नीड तो है, थोड़ा सा रुक के ले लेंगे बाइक, लेकिन नंबर यूज़ हो जाएगा तो भाई अपना
वो नंबर इसमें यूज हो गया, जब वो नंबर आएगा भाई दिखाऊंगा, बहुत स्पेशल नंबर है वो मेरा। तो बाकी अभी चलते हैं यहाँ से यार फटाफट और मजे वाली एक राइड मार के आते हैं प्यारी सी, और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। सर इस वाली एंटॉक में भाई जो सबसे जो ज़्यादा मतलब जो एक मेन चीज़ है ना, वो इसका भाई मीटर ही है। इस मीटर की वजह से भाई मेरे को बहुत पसंद आ गई थी। इसमें एक साइड तो भाई नॉर्मल मीटर है, एक साइड भाई फुल्ली LCD वाला जो मीटर है। बाकी इसके अंदर सब नोटिफिकेशन आ जाती हैं, गूगल मैप वगैरह सब लग जाता है। तो ये चीज़ भाई मुझे बहुत एडवांस लगी इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर भाई काफ़ी सारे मोड्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स मोड हो गया और एक नॉर्मल मोड हो गया, और GPS, बाकी नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, कॉल्स, आप वॉइस असिस्ट इसके अंदर है, आप ये दबा के आप जो मर्जी करवा सकते हो इसके साथ। बाकी भागने में तो भाई हीरोइन अपनी है, बाकी इसका नाम भाई कुछ डिसाइड करेंगे, बाकी देखते हैं यार टाइम के साथ पता चलेगा। पिकअप भाई इतना तगड़ा है ना इसका, मतलब इस ये ना थोड़ा सा मतलब ना स्कूटियों के मामले में ना थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो भाई चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है इसको। तो काफ़ी मतलब कभी अगर मैं ड्यूक चलाने का मन नहीं करेगा ना, तो भाई मेरे पास ये एक ऑप्शन है बढ़िया वाला कि भाई मैं इसको चला सकता हूँ और मज़े ले सकता हूँ राइडिंग के। तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे लिए तो, क्योंकि ना ये एग्रेसिव भी है, क्योंकि एक्टिवा वगैरह यार मेरे को यार सच्ची में पता है मेरे को वो बस ऐसी लगती है कि आप मोहल्ले में दौड़ा लो उसको। लेकिन ये ओहो भैया प्यार से ये एंटॉक जो है ना भाई, इसको लेके ना भाई मैं कह रहा हूँ भाई लोगों से लॉन्ग राइड भी मार लेते हैं, तो इसलिए मेरे को भाई ज़्यादा पसंद ये वाली है। तो भाई कभी थोड़ा बहुत लंबा वंबा जाना हुआ मेरठ वेरठ या फिर कहीं और भी जाना हो भाई, तो उससे भी आगे जाना हुआ, तो भाई इसको लेके बहुत प्यार से अपन लोग जा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई आने वाले टाइम पे हो सकता है भाई इसके साथ भी भाई लॉन्ग राइड मारे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी बंदा अपनी ड्यूक तो है ही, अपना रॉकेट भाई वो तो एकदम भाई रॉकेट ही है वाकई में भाई, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी इसको यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा सा भाई इसके बारे में इसका क्विक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि भाई कैसी लग रही है। थोड़ा सा और आगे लगाते हैं भाई, यहाँ पे भीड़ हो रही है, अपन को शर्म आ जाएगी होता है यार होता है भाई, मोटर व्लॉगिंग जो करेंगे ना व्लॉगर्स को भाई पता रहेगा, पता होता है कि भाई शर्म आती है भाई जब लोग देखते हैं ना। बाकी धीरे धीरे भाई ये शर्म को करते करते ना आदमी बेशरम बन जाता है। तो अभी भाई मैं इसका थोड़ा सा ओवर भी दिखाता हूँ। और इसके साथ भाई एक एडवांस चीज़ भाई ये है कि भाई इसके साथ ना हैजार्ड भाई ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, जैसे ड्यूक के अंदर हमारे को लगवाने पड़ते हैं, तो वो इसमें लगवाने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई यार फ्रेम भाई बहुत ज़बरदस्त आ रहा होगा, इसकी DRLs वगैरह भाई इतनी प्यारी भाई, जो कि एक्टिवा में नहीं होती, होती है लेकिन इतनी प्यारी। और बाकी भाई कलर वगैरह देखो और इंडिकेटर्स भाई सब कुछ मतलब ना बहुत एग्रेसिव वाली चीज़ है। और इसके साथ ना एक और चीज़ दिखाता हूँ जो भाई और स्कूटी से थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। इसके अंदर यहाँ पे ना एक चार्जिंग पोर्ट भी आता है, तो आप चार्जिंग वगैरह लगा सकते हो बहुत ईजिली, तो ये सब चीज़ होती है। बाकी इसका मीटर तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई, इस तरीके से कुछ ये स्टार्ट होता है भाई। हाई राइडर इसमें नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, डेट टाइम अभी आ नहीं रही है, तो इस वजह से भाई अभी फिलहाल के लिए ये है। और साथ ही साथ भाई मैं इसका ना स्क्रीन कार्ड लेके आया था, वो इसका अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रहा इसका स्क्रीन कार्ड, ये अमेजोन से परचेज करा था, तो इसको भी इंस्टॉल करते हैं। बाकी इसको साफ ऑफ करके ना फिर इंस्टॉल करते हैं, ताकि भाई बढ़िया से अपनी भाई ये जो स्क्रीन है ना ये प्रोटेक्टेड रहे। तो इसको इंस्टॉल करते हैं धीरे धीरे करके और फिर मिलते हैं। सर इसका ये कुछ ये स्क्रीन गार्ड कुछ ऐसा है प्रॉपर इसी के लिए ये, तो स्क्रीन गार्ड तो ये हो गया। और साथ ही साथ भाई इसके साथ वाइप आ रखे हैं, तो वाइप कर लेते हैं पहले इसको, सब कुछ यूज़ कर लेंगे यहीं पे खड़े खड़े। एक ड्राई वाइप होगा, एक वेट वाइप होगा, रिमूव ये ड्राई ये वेट है, पहले वेट वाले से करते हैं देन ड्राई वाले से करेंगे, उसके बाद अपना स्क्रीन गार्ड प्लेस कर देंगे। ये भाई पूरा भाई हो गया बढ़िया करके वेट, जो भी धूल मिट्टी होगी भाई वो सब निकल जाएगी। बाकी मैं नीचे गिरा रहा हूँ इसको, पेपर है इसलिए गिरा रहा हूँ, पॉलीथिन होती तो नहीं गिरा था। ये ड्राई वाइप हो गया, वैसे तो कुछ नहीं इनसे, प्रॉपर एक कॉटन के कपड़े से आप अगर साफ कर दोगे ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, उससे मतलब स्क्रैच वगैरह ज्यादा नहीं आते, जो कि इसके साथ ऑलरेडी आ रखा है। तो इसी से साफ कर लेते हैं वाइप वगैरह लगा के, जो कि आया हुआ था वेस्ट जाता, इसलिए भाई अपन भाई इससे ही कर लेते हैं, जो चीज आए भाई उसका फायदा उठा लो। अब भाई इसको लगाते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं Step 1 Step 2 might be कम आउट फ्रॉम हियर। ये ऐसे ही लगेगा, बहुत ही तरीके से लगाना पड़ेगा, वरना भाई इधर उधर हो गया ना तो फिर भाई मजा नहीं आएगा। प्लेसमेंट भाई ठीक ठाक हो गई, बाकी बबल ना आए बस ये है, बबल वैसे कोशिश करेंगे कि भाई ना आए।
सो यार अपना भाई टेम्पर्ड ग्लास भाई इंस्टॉल हो गया, बाकी लगा दिया, थोड़े से नीचे बबल आ गए, माइट भी वो टैंक है थोड़े चले जाएँ, बाकी देख लो भाई मेरे को तो भाई बहुत प्यारी लग रही है। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि भाई कैसी लगी। बाकी 125 सीसी के सेगमेंट में भाई मेरे को तो सबसे बेस्ट भाई यही लगती थी, काफ़ी टाइम से भाई मैं सोचा था, लेकिन जब टाइम मिला तो भाई ले ली, अब भाई इस पर एंजॉय करा करेंगे। बाकी सिनेमैटिक जरूर बताना भाई सिनेमैटिक कैसे लगे, नियॉन कलर लगता तो बहुत प्यारा है भाई। और इसके मीटर के थोड़े फीचर्स दिखा देता हूँ, ये इसका स्पोर्ट्स मोड है इसमें कुछ भाई जैसे ही अपन लोग भाई इसमें आरपीएम वगैरह दिखते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक एडवांस फीचर ये है भाई ऑटोमेटिक, जैसे हम ट्रैफिक वगैरह में खड़े होते हैं ना तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिक भाई 5-7 सेकंड बाद अपना बंद 15 सेकंड बाद शायद अपना बंद हो जाती है, फिर ब्रेक और एक्सीलरेट करोगे तो आपको सेल्फ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ कुछ फीचर्स हैं। बाकी अब ये बैटरी वोल्टेज आ जाता है इसका स्ट्रीट मोड, अब इसको स्पोर्ट्स मोड में चला के देखते हैं, चलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई आरपीएम वगैरह भाई कैसे चलते हैं, बाकी यहाँ से निकलते हैं और अब भाई चलते हैं यहाँ से। देख रहे हो भाई इतना खतरनाक मीटर कंसोल भाई इसका बहुत ज़बरदस्त लगा मेरे को तो। बाकी यार आप बताना भाई कि कैसी लगी आप लोगों को, मेरा प्लान जो था वो दूसरा था, लेकिन प्लान हमेशा ना वही होता है जो भाई ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो भगवान को भाई ये मंजूर थी तो ले ली। बाकी इसको ऑलमोस्ट भाई नीलम भी चलाया करेगी, लोकली तो नीलम चलाएगी, बाकी जो मेरे को थोड़ा सा चेंज चाहिए होगा तब मैं चलाया करूँगा। बाकी इसको थोड़ा सा चलाते हैं बढ़िया करके, अभी तो भाई इंश्योरेंस वगैरह एक दो दिन में इसका आएगा, तो जब तक भाई मैं प्यार से इसको चला रहा हूँ उसके बाद भाई थोड़ा बहुत खींचा वेचा करेंगे। अभी वैसे नया इंजन है, नए इंजन में भाई रिकमेंड यही रहता है कि भाई आप लोग 50-60 से थोड़ी सी 50-60 के अप्रॉक्सी चलाओ, उससे ऊपर ना जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी यार स्कूटी भाई बहुत ज़बरदस्त भाई, मतलब फीचर्स के मामले में भी और पावर के मामले में भी, इससे नीचे जो वेरियंट है भाई पावर है लेकिन भाई ये फ्यूचर प्रूफ है थोड़ी सी कि हाँ भाई ये मीटर कंसोल और भाई और एडवांस फीचर्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ आप लोग भाई कर सकते हो। बाकी यहाँ से भाई सीधा चलते हैं अपने घर के लिए और उनको पिक करते हैं, क्योंकि अभी जाना भाई हमारे को कहीं और, तो भाई नीलम थोड़ा सा राइड करेगी, उसके पास स्कूटी आ गई है तो भाई उसको मज़े लेने चाहिए अब इसके। ओहो भैया 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 प्यार से हमारी नहीं है, ये देखो रॉन्ग साइड, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सो यार अभी मैं आगे का रास्ता लेते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ना नीलम कहते हैं एक छोटा हेलमेट ले लो इसके लिए ताकि लोकल भाई चलाने में आसानी रहे। मैं कह रहा था अपना एमटी वाला पहन के चला, कह रहे नहीं लोकल में ना थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए कि डिग्गी के अंदर हो, अपन को ऊपर से हेलमेट लाने की ना जरूरत पड़े। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं अगर बिक रहे होंगे तो एक स्टड्स का भाई सिंपल बेसिक से हेलमेट ले लेते हैं और वो भाई अपनी डिग्गी के अंदर ही डाल। बाकी यार मज़ेदार मौसम होने लगा सितंबर के बाद ना भाई, पूरा मौसम चेंज हो जाता है और भाई मज़ा आता है उस टाइम पर। और ये गाड़ी कैसी, पूरा का पूरा सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ना शीशे हैं ना लाइट है ना कुछ है, डेंटिंग पेंटिंग। सो बाकी यार अपना भाई टेम्परेरी नंबर कुछ कुछ भाई ऐसा रखा है 20 और साथ ही साथ यार इसमें भाई कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करवाएंगे भाई, शीशे वगैरह तो पता नहीं रखे ना रखे, अगर पसंद आएंगे तो रख लेंगे, अगर नहीं पसंद आएंगे तो भाई हटा देंगे। बाकी यार पीछे का भी लुक ना इसका भाई बहुत ज़बरदस्त है, और एग्जॉस्ट नोट में को सबसे ज़्यादा स्पेशल भाई इसका एग्जॉस्ट नोट लगता है। बाकी बहुत से लोग पता क्या करते हैं इसके अंदर ना कस्टमाइज एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं। तो बाकी इस व्लॉग के यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भाई ज़रूर जाना। बाकी ऑन रोड जो मेरे को ये पड़ी वो पड़ी भाई 128 की, तो बाकी यार लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तो स्वस्थ मस्त खाते पीते हो, जिंदगी मजे करते हो, इतना मैं इसके भाई कुछ कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और छेड़छाड़ करता हूँ इसमें। बाय बाय।